नमस्ते बच्चों, मैं मोहना रवि हूँ। आज मैं आपको 12वीं क्लास का क्रॉस सेक्शन में पहला लेसन टॉल्स्टॉय फॉर्म सिखाने वाली हूँ। इस पाठ्य का सारांश आज हम देखेंगे और प्रश्नोत्तर और अन्य सभी वन वर्ड्स अगले वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं सारांश को। ये दक्षिण अफ्रीका गए, मतलब एक बार दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी, वहां एक केस में लड़ने के लिए। पैरवी, पैरवी मतलब क्या है? पैरवी मतलब लड़ना। मुकदमे मींस केस, केस में लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां उन्होंने देखा कि प्रवासी भारतीय, प्रवासी मतलब हमारी भारतवासियों वहां सेटल हुए, पूर्वजों, पूर्वजों सेटल हुए हिंदुस्तान, पूर्वजों अंग्रेजों के शासन में कष्ट उठा रहे थे। मींस दे वर नॉट हैप्पी। उनको समान अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने लगे। मींस कौन सा केस है? केस कौन सा है? भारतीयों को समान अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किए हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। सत्याग्रहियों के रहने के लिए गांधी जी ने आश्रम खोला और उसका नाम टॉल्स्टॉय फार्म रखा। मतलब सत्याग्रहियों, जो सत्याग्रहियों गांधी जी के साथ हाथ जुड़े हैं, उन सत्याग्रहियों को रहने के लिए एक आश्रम खोला है। उस आश्रम का नाम है टॉल्स्टॉय फार्म। उस फार्म की जमीन 100 एकड़ की थी। 100 एकड़, एकर्स इंग्लिश में एकर्स, एकड़ की थी। उसमें कुछ फल के पेड़ थे, एक छोटा सा झरना भी था। झरना मतलब क्या है? मालूम है ना आप लोगों को? झरना मतलब वॉटरफॉल्स। गांधी जी ने आश्रम के लिए कुछ नियम बनाए, मींस कुछ रूल्स, कैसी आना जाना, कैसी रहना, सब रूल्स बनाए थे। आश्रम में नौकरों से काम नहीं लिया जाएगा, मतलब अपनी काम को अपने आप करना, दूसरों को का दूसरों से कोई काम लिया नहीं जाएगा। यह पहला नियम था। स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग रखना जाएगा, मींस उन लोगों की मकानों भी अलग अलग, इसलिए मकान भी अलग अलग और दूर दूर बनाए गए। टॉल्स्टॉय आश्रम में हिंदू, ईसाई, मुसलमान सभी थे। हिंदू, ईसाई, मुसलमान सभी थे। गांधी जी स्वयं शाकाहारी थे, वेजिटेरियन, और उसी के पक्ष में थे। मगर अन्य लोग मांसाहारी थे, मींस नॉन वेजिटेरियन। गांधी जी ने उन लोगों से बहस किया। बहस मींस वार्तालाप, यानी आर्ग्यूमेंट, समझाने के लिए कोशिश करे थे, किया और समझाया, तो वे शाकाहारी भोजन करने के लिए तैयार हो गए। वे भी शाकाहारी भोजन करने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी ने आश्रम के लिए, सॉरी, टॉल्स्टॉय आश्रम में हिंदू, ईसाई, मुसलमान सभी थे। सॉरी, मैंने रॉन्गली पढ़ गई। हाँ, खाना पकाने का काम बहनों का था। मींस इस आश्रम में खाना पकाने का काम कौन का था? बहनों का था, लेडीज जॉब। फिर भी सहायता के लिए 2 पुरुष रखे गए थे। सब अपने अपने बर्तन साफ करते थे। अपने बर्तन को अपने आप करना है। सार्वजनिक बर्तन मींस अन्य जनों का बर्तन साफ करने के लिए बारियों मुकर्रर कर दी गई, मींस सेपरेट प्लेस अरेंज्ड फॉर देम। रेस्ट हम अगली वीडियो।
नमस्ते बच्चों, टॉलस्टॉय लेसन का भाग दो शुरू करते हैं। पार्ट वन में मैंने हाफ ऑफ दी सारांश आपको कंप्लीट कर दी, ये बाकी लेसन का है। शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। शराब तंबाकू आदि आश्रम में बंद थे, मतलब शराब तंबाकू आदि आश्रम में बंद थे। सबों ने मिलकर मकान बनाए, मींस किसके लिए मकान बना रहा है? उस सभी ने, उन लोगों ने खुद अपने मकान को एक आदमी एक हाथ में जोड़कर सब मिलकर, सबों ने मिलकर मकान बनाए। जो आश्रमवासी सैर करने के लिए जोन्सबर्ग जाना चाहते थे, जोन्सबर्ग वह एक प्लेस है, जोन्सबर्ग वहां जाना चाहते हैं आश्रमवासी, सप्ताह में मींस वीकली वंस के सप्ताह में एक बार वंस जाते थे। वे पैदल जाते थे और उसी दिन लौटते थे, मींस दे गो बाय वॉक एंड दे रिटर्न ऑन द सेम डे, मींस वे पैदल जाते थे और उसी दिन लौटते थे। आश्रम के कोने में जमीन पर एक गड्ढा खोदा गया था। गड्ढा मतलब एक पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर है, वह खोदा गया था। कारण था कूड़े कचरे को उसमें उस गड्ढे में डाला जाता था। कूड़े कचरे मींस व्हाटएवर द अनवांटेड थिंग्स, वेस्ट थिंग्स के गड्ढे में डाला जाता था। जूटन और साग की कचरे के सुंदर खाद बना जाती थी। खाद मतलब जो प्लांट्स के लिए हम ना वो जैसी है वो मेडिसिन बनता है, वो प्लांट्स को बढ़ाने में बहुत काम आता है। जूटन और साग मतलब ग्रीन्स का वेस्ट था, जूटन मतलब पील्स, वेजिटेबल पील्स, वही है। जूटन और साग के कचरे से सुंदर खाद बन जाती थी। इस तरह आश्रम को साफ सुथरा रखा गया केलन बेक नामक सत्याग्रही पादरियों के मठ में जाकर चप्पल बनाना सीखा है, मींस ये आदमी केलन बेक चप्पल कैसे बनाना उस टेक्निक को सीखे आया था। उन्होंने दूसरे को भी यह कला सिखाई, मींस अन्य सत्याग्रहियों को भी यह कला सिखाई। वहां जो चप्पल जरूरत से ज्यादा बने, जरूरत से सेल्फ यूज उनसे ज्यादा बने थे, वे मित्रों को भी बेचे गए थे, मींस फ्रेंड्स को बेचे। गांधी जी ने सभी धर्मों की किताबें इकट्ठी कर रही थी। वे नॉट ओनली यूज्ड टू यूज हिंदुइज्म, वे यूज्ड टू यूज ऑल काइंड ऑफ बुक्स, ऑल काइंड ऑफ धर्मों को, किताबों को इकट्ठी कर रही थी, मींस ही यूज्ड टू सेव दोस बुक्स। उन किताबों की सहायता से वे बच्चों को पढ़ाते थे, मींस ही द टीचर हु आर teaching lessons in this ashram, they used to use these books to teach lesson to kids. Sahayata se ve bachchon ko padhate the. Gandhi ji Tolstoy farm ki har yaad ko meethi batate. Jab bhi ye ashram ko yaad karte, sab baatein meethi meethi hi unke zuban pe aate hain. To us tarah ye garden to bahut मीठी यादों से भरी एक आश्रम था। यह लेसन का पूरा सारांश आज मैंने कंप्लीट कर दिया आपको। इस पार्ट के बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर्स और वन वर्ड्स सब मैं आपको, वन वर्ड्स इस सारांश से बीच बीच में आपको पूछेंगे और क्वेश्चन आंसर्स अगले वीडियो में मैं डालती हूँ। थैंक यू बच्चे, उस तब तक ये ऑडियो को बार बार सुनी रहिए, सुनके सुनके आपको सब इस लेसन को पढ़े बिना आपके माइंड में सेटल हो जाएगा। थैंक यू।